ब्लाइंड डॉग है, मतलब आँखों से उसको बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराया, फिर हमने इसको रखा, रख के एनिमल लवर्स लोग जुड़े हुए हैं कि कैसा क्या करें ये वो। ये दिल्ली पहुंच गया था तब की है, इसकी कंडीशन बेटर हो गई थी वहाँ पर। और ये अमेरिका की है जहाँ पे इन्होंने गोद लिया है, ये वही है जिन्होंने अडॉप्ट किया, अडॉप्ट किया है इस बच्चे को। और पहले स्थिति आप देखिए, पहले की कंडीशन इसकी ये थी, ये आँखों की कंडीशन ये थी। नाम बोलिए। मिनी खरे। कौन सा संस्था चलाती है? जी वाश्रय समिति झांसी। एक कुत्ता जो आप लोगों ने जिसको संरक्षण किया था वो अमेरिका पहुँच गया, तो कैसे ये पूरा मामला हो गया? ये हमारे पास केस आया था एनजीओ में कि एक डॉग है सीप्री आईटीआई रोड पर, तो उसको किसी ने क्रुएल्टी की है, उसके संग कुछ अत्याचार हुआ, या आग से जला है या जलाया जो भी है, या जन्म से है तो उसके संग ऐसा ऐसा है, वो देख नहीं सकता है, पपी है तो उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। तो लोगों ने हमको टैग किया फेसबुक पे, क्योंकि झांसी में एक पहला एनजीओ अपना ही है जो जानवरों के लिए काम कर रहा है। तो हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किया, हमारे टीम के मोहम्मद शकील नाम के एक हैं, हम उनके साथ गए वहाँ उस प्लेस पर, हम लोगों ने रेस्क्यू किया उस डॉग को, और डॉक्टर गुप्ता जी के यहाँ ट्रीटमेंट चला उसका, और हमने उसको रखा। फिर छोड़ने पर बहुत कष्ट हुआ कि मतलब वो रहेगा कैसे, क्योंकि वो ब्लाइंड है, वो तो गाड़ी के नीचे आएगा मर जाएगा। तो वहाँ पे फेसबुक पे फिर हमने लोगों से अपील की, एनिमल लवर लोग जुड़े हैं बाहर से, उन लोगों से बातचीत की, तो डिस्कशन ये हुआ, एक हमारी फ्रेंड हैं जुड़ी हुई हैं, उन्होंने बताया कि अब्रॉड में भी ऐसा होता है कि देसी कुत्तों को ये लोग यहाँ से लेकर और अडॉप्शन करवाते हैं वहाँ पर, क्योंकि इंडिया में देसी कुत्तों की इतनी वैल्यू नहीं है जो कि विदेश में है। तो ये सब बात हुई, डिस्कशन हुआ, पहले थोड़ा सा डर भी लगा कि इतना दूर कैसे भेजने वगैरह वगैरह, लेकिन फिर सारा मामला तय हुआ, बातचीत की, वो लोग कन्वेंस हो गए, सारा कुछ प्रोसीजर आगे बढ़ा। फिर वो झांसी से दिल्ली गया, पहले वो लोग लेने आए इसको कार से, दिल्ली गया, वहाँ पे डॉक्टर प्रेमलता चौधरी एक हैं, वो काम करती हैं एनजीओ से जुड़ी हुई हैं वो विदेशी, तो उन्होंने 2 महीने अपनी बोर्डिंग में रखा इसको। उसके बाद फिर बच्चा अभी जून में उधर पहुँचा यूएसए, और वहाँ पर कल सुबह अडॉप्शन हो गया। तो अभी कोई संस्था के पास है, किसी व्यक्ति के पास चला गया? अभी व्यक्ति के पास पहुंच चुका है, हेलेन ब्राउन नाम की एक लेडी है जो वहाँ की संस्था चलाती हैं, वो फाउंडर हैं, स्ट्रे डॉग सपोर्ट नाम से उनका एनजीओ चलता है, उन्होंने ही करवाया है इसका। किसको दिया ये मुझे नाम तो कन्फर्म